ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौर्तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस पहली कक्षा में भक्ति शास्त्री के आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस कोर्स में चार ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, भगवद गीता यथारूप, श्री ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो शुरुआत हम करेंगे भगवद गीता से। भगवद गीता इस कोर्स का सबसे ज़्यादा भाग लेने वाला है क्योंकि इसमें 700 श्लोक हैं, तो लगभग हमें 8 से 9 महीने लग जाएंगे केवल गीता का अध्ययन करने में। तो गीता से हम शुरुआत क्यों करना चाहते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा पीछे। क्षमा चाहेंगे। तो भगवत गीता संबंध संबंध ज्ञान देता है, संबंध ज्ञान देता है। और संबंध ज्ञान मतलब हमें ये बताता है कि कृष्ण के साथ में हमारा संबंध क्या है, हम कौन हैं, कृष्ण कौन है। ईशोपनिषद भी हमें वही ज्ञान मुख्यतः देता है। और जो दूसरी बाकी ग्रंथें हैं जैसे कि उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, वो हमें ये बताता है कि आपको पता चल गया आपका कृष्ण के साथ संबंध क्या है, तो अब उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए आपको क्या कार्य करने होंगे। उसका ज्ञान हमें उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है। और इन चारों ग्रंथों में सबसे कठिन एक प्रकार से देखा जाए समझने के लिए, या फिर जिसमें ज्ञान बहुत ही शुद्धतम अवस्था का दिया गया है, वो है भक्ति रसामृत सिंधु। इसलिए हम उसको अंतिम पुस्तक में के रूप में या ग्रंथ के रूप में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो भगवद गीता से शुरू करते हैं। भगवद गीता आप सभी जानते हैं, विश्व प्रचलित है और असंख्य लोग इसका अध्ययन करते आए हैं। महान महान लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है, लेकिन सब लोग इस ग्रंथ को नहीं समझते हैं क्योंकि इस ग्रंथ को केवल परंपरा में ही समझा जा सकता है। एक शुद्ध वैष्णव जो कृष्ण को जानता हो,
कृष्ण के मन को जानता हो, कृष्ण के भाव को समझता हो, उन्हीं के द्वारा हम भगवद गीता क्या है वास्तविकता में जान सकते हैं। कितने हजारों लोगों ने भगवद गीता को प्रस्तुत करने की कोशिश की है अपने ही शब्दों में, अपने ही विचारधारा के अनुसार, लेकिन कोई भी उसे एक वैष्णव आचार्य के तरह प्रस्तुत नहीं कर पाया। अनेक वैष्णव आचार्यों ने भगवद गीता पर टीका लिखी है, श्री रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, श्रीधर स्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, लेकिन आज के समय में देखा जाए, आधुनिक युग में देखा जाए, तो प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता पर टीका है, व्याख्या है, उससे ज़्यादा संपूर्ण, उससे ज़्यादा प्रासंगिक और कुछ नहीं, वो बेस्ट है। तो जब हम इस गीता का अध्ययन करते हैं, हम समस्त वैष्णव आचार्यों ने जो गीता के ऊपर अपने भाव को प्रकट किया है उसको भी प्राप्त करते हैं, है ना। वो प्रभुपाद जी वो सब चीज़ को उसमें रखे हैं, डाले हैं, और जब हम दूसरे आचार्य की टीका को पढ़ते हैं तब पता चलता है, अच्छा प्रभुपाद जी ने तो सब कुछ ले लिया, सब कुछ दे दिया, इसमें हमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस ग्रंथ को हम अभी अध्ययन करेंगे। शुरुआत की कुछ क्लासेस केवल भूमिका पर होगी, भगवद्गीता यथारूप यदि आपके पास है होनी चाहिए, नहीं है तो आप उसको ले लीजिए। तो उसमें कम से कम 30 पेज का एक इंट्रोडक्शन है, भूमिका। वो एक ऐसे है जो प्रभुपाद जी बहुत समय पहले लिखे थे, इस पूरी गीता को लिखने से पहले लिखे थे, और उस ऐसे में उन्होंने गीता के पूरे विषय को कम शब्दों में, सारांश रूप में प्रस्तुत किया था। तो हम उसको पढ़ लेंगे तो हमें एक एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हाँ वास्तविकता में गीता का विषय क्या है। उसके बाद में फिर हम अध्याय एक से शुरू करेंगे, एक एक श्लोक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस गीता के अध्ययन में आज हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो हम कुछ श्लोक आपको मंगलाचरण के रूप में सुनाना चाहते हैं, जो आपसे मेरी विनती है आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। हमने ऑलरेडी एक मंगलाचरण प्रार्थना गाई, कुछ श्लोकों का उच्चारण किया, ये हम हर क्लास के पहले करेंगे। आप में से जो इससे परिचित हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं व्हाट्सएप में ये ऑडियो शेयर किया जाएगा आपसे, जिसको सुनकर आप इन श्लोकों को याद कर सकते हैं। और उन मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ हम गीता की क्लासेस के लिए दो और श्लोक विशेष रूप से उच्चारण करेंगे, जो व्यासदेव के चरणों में और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गीता के वक्ता के रूप में प्रार्थना है, नमन है। तो व्यासदेव जी के लिए जो मंगलाचरण है वो इस प्रकार है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः। इस श्लोक में हम क्या कहते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, मैं व्यास देव को प्रणाम करता हूँ जिसकी बुद्धि क्या है, विशाल है, फुल्ला रविंदायत पत्र नेत्रे, उनकी आंखें कैसे हैं, फुल्ला रविंद, आपको पता है कि कमल को अरविंद कहते हैं, है ना। तो फुल्ला रविंद दाय पत्र नेत्रे, उनकी आंखें कैसे हैं, एक खिले हुए कमल पुष्प की पत्तियों के समान उनकी आंखें, बहुत सुंदर आंखें हैं। ये न त्वया भारत तैल पूर्ण, यहाँ पर भारत शब्द जो है वो महाभारत के लिए कहा गया, आपको पता होगा व्यासदेव जी ने ही महाभारत को लिखा है, मतलब महाभारत उन्होंने कहा है और गणेश जी ने उसको लिखा है, है ना। तो ये न त्वया भारत तैल पूर्ण, अगर हम महाभारत ग्रंथ की तुलना अगर तेल से करते हैं, ठीक है, तेल से करते हैं, तो उस तेल के द्वारा जो दीप जलती है उसकी तुलना किससे की गई है, भगवद्गीता से की गई है। ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप, आपने उसका एक दीप जलाया, और वो दीप क्या है, भगवद्गीता, कि भगवद्गीता महाभारत के अंतर्गत आता है, है ना। अब दूसरा श्लोक है जो भगवान कृष्ण के लिए मंगलाचरण है, आप चिंता मत कीजिएगा, ये सब ऑडियो हम आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, याद करने के लिए आसान होगा। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेयकानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुहे नमः। मैं भगवान कृष्ण जो प्रपन्न पारिजाताय, जो उनके प्रति समर्पित होता है, उनको वो आश्रय देते हैं, जो एक हाथ में
एक लाठी लेकर खड़े हैं और दूसरी यहाँ दूसरा उनका जो हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में है और उस मुद्रा में अर्जुन को गीता अमृत का ज्ञान दे रहे हैं, है ना, दुग्धन कर रहे हैं, गीता को दोह रहे हैं, है ना, इस प्रकार। ठीक है, तो वो इस प्रकार हमें अमृत प्रदान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, अटेंडेंस के लिए आप अपना सही नाम उचित नाम दी से ज्वाइन कीजिए। तो अब पहली बात, व्यास देव जी ने भगवत गीता को अलग ग्रंथ के रूप में क्यों नहीं लिखा, उन्होंने महाभारत में ही भगवत गीता को क्यों डाल दिया, उसका कारण क्या था, है ना। अभी आज के समय में आप मार्केट में देखोगे तो गीता तो आपको अलग से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। गीता को पढ़ने के लिए आपको महाभारत पढ़ना जरूरी है या महाभारत पुस्तक खरीदना जरूरी है, गीता तो अलग से प्राप्त होती है। लेकिन व्यास देव जी ने क्या किया था, व्यास देव जी ने क्या किया था, उन्होंने आप सभी को अपना नाम या चैट पर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, वो आपका नाम देख लेंगे जो अटेंडेंस ले रहे हैं, जिनसे पूछा गया बस उन्हीं का वो ही अपना नाम डाले। तो व्यास देव जी ने महाभारत को क्यों लिखा और उसके अंदर भगवद गीता को क्यों डाला, क्योंकि संसार में अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश लोगों की दर्शन में रुचि नहीं होती है ना। वो किस चीज़ में रुचि लेते हैं, कहानियों में रुचि लेते हैं, कहानियाँ उनको बड़ी पसंद आती है ना, और अगर उनको आप थोड़ा सा दर्शन शास्त्र सुनाने लग जाओ तो लोगों को नींद आ जाती है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो व्यासदेव ने सोचा कि अगर महाभारत के रूप में बहुत ही मज़ेदार कहानी लिखी जाए तो लोगों का बड़ा ध्यान रहेगा उसमें पढ़ने में, है ना, या फिर सुनने में, बड़े आनंद से वो पढ़ेंगे, एकदम उत्कंठा के साथ पूरी तरह से ध्यान पूर्वक। और फिर जब एकदम क्लाइमेक्स सिचुएशन रहेगा कि सबको सबके सब पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं, मग्न हैं, तब उस स्थान पे मैं गीता के ज्ञान को प्रवेश कर दूंगा, जिससे कि वो गीता को एक बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे किसी न किसी तरह से, है ना। तो उन्होंने क्या किया, महाभारत में घटना ऐसी ही होती है कि बेसिकली पूरा आप कहानी पढ़ लेते हो और अभी एक क्लाइमेक्स आ चुका है, युद्ध शुरू होने वाला है ना, और जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति होगा या सुनने वाला होगा उसको ये उत्कंठा होगी जानने की क्या होगा, युद्ध कैसे होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। पहला दिन है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, एक दूसरे को देख रही हैं, और उस समय अर्जुन परेशान हो जाता है, वो चिंतित हो पड़ता है, उसके मन में ये दुविधा आ जाती है कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों को, गुरुजनों को मार सकता हूँ। और उस समय फिर वो कृष्ण से प्रश्न पूछता है, उस समय कृष्ण उसको गीता सुनाते हैं। तो एकदम महाभारत के क्लाइमेक्स में व्यास देव जी ने गीता को रख दिया, है ना, गीता को रख दिया, लेकिन जिससे कि व्यक्ति गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सके, बहुत ही सुंदरता के साथ में बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने ऐसा किया। तो जो महाभारत ग्रंथ है उसमें अनेक विषय हैं, आप में से कुछ ने महाभारत पढ़ा होगा, नहीं तो सुना होगा, बहुत विशाल ग्रंथ है। उसमें 5 विषय मुख्य हैं, आप चाहो तो ये सब नोट्स बनाइए, आपको काम आएगा, और नोट्स बनाओगे तो नींद भी नहीं आएगी, है कि नहीं, तो सुनिए भी और नोट्स भी बनाइए, नोट्स बनाने से याद भी रहता है, नहीं तो भूल जाएंगे, अब कितना सुनेंगे सब कुछ तो नहीं याद रहेगा। तो महाभारत में 5 विषय प्रमुख हैं, वो 5 विषय क्या है, पहला है युधिष्ठिर महाराज की धर्म निष्ठा। पूरे महाभारत में आपको ये देखने को मिलेगा कि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं, धर्म कभी छोड़ते नहीं, है ना, इसलिए उनको धर्मराज कहते हैं, और हर परिस्थिति में उनका सोचना बिल्कुल धर्म के अनुकूल या अनुरूप होता है अधिकांश, कभी 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 उनसे कुछ गलती हो जाती है ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश नहीं। तो ये आपको पूरे महाभारत में देखने को मिलेगा, युधिष्ठिर महाराज की धर्मनिष्ठा। दूसरी, महाभारत का एक दूसरा एक मुख्य विषय क्या है जो कि बहुत उभर कर बाहर आता है, वो है कर्ण की दानशीलता। कर्ण बहुत बड़ा दानी था, है ना, हर दिन दान देता था, एक्चुअली 24 घंटे में ऐसा वर्णन आता है, कर्ण लगभग 4 घंटे उपासना करता था सूर्य की उपासना, 4 घंटे, और वो हर दिन उपासना करने के बाद में ब्राह्मणों को दान दिया करता था, गायों का दान, धन का दान,
ना, जमीन का दान इत्यादि इत्यादि। तो ये महाभारत में इसका भी बहुत अच्छे से वर्णन है। कि तीसरा क्या है, नकुल। नकुल पांच पांडवों में से चौथा है ना। तो उसकी समशीलता, समशीलता मतलब समता एक गुण होता है। गीता में कृष्ण इस गुण के बारे में व्याख्या करेंगे। समता का मतलब क्या होता है, सबके साथ समान व्यवहार है ना, मतलब किसी के साथ में कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं रखना, चाहे शत्रु हो मित्र हो, उचित व्यवहार करना, अनुचित व्यवहार नहीं करना, उसको कहते हैं समशीलता। ये नकुल के व्यवहार में हमको देखने को मिलता है बहुत ही सुंदर तरीके से। फिर चौथा क्या है, कुंती महारानी की भक्ति। हाँ, पूरे महाभारत में एक प्रकार से वैसे हम बोल सकते हैं अर्जुन कितना बड़ा भक्त है, द्रौपदी कितनी बड़ी भक्त है, लेकिन कुंती महारानी की भक्ति बहुत विशेष रूप से प्रकट होती है। किस किस अवस्था से, जब से वो बालिका के रूप में थी तब से लेकर फिर उनका विवाह हुआ, फिर उनके पति पांडु का निधन हो गया, पांच बच्चों की वो माँ के रूप में इतना संघर्ष की है ना, कौरवों के हाथों के द्वारा उसको उत्पीड़न हुआ, फिर अपने बच्चों को कौरवों के हाथों के द्वारा जो उनको कष्ट मिला वो पूरा का पूरा सहा, इस प्रकार पूरे महाभारत में। लेकिन उनकी जो भक्ति है कृष्ण के चरणों में वो नहीं टूटती है, वो श्रद्धा नहीं जाती। और वो भक्ति का जो सबसे सुंदर प्रदर्शन जो होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में पहले स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के रूप में। आपने सुना होगा प्रभुपाद जी की एक पुस्तक भी है कुंती महारानी की शिक्षाएं, तो वो प्रार्थनाओं के रूप में प्रकट होता है। श्रीमद् भागवतम में इतने सारी प्रार्थनाएं हैं, उसमें सबसे पहली प्रार्थना किसी की है, कुंती महारानी की ही है ना। सबसे पहले सर्वप्रथम उनकी प्रार्थना आती है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। और लास्ट महाभारत का लास्ट विषय कौन सा है, आपको चार तो मैंने बता दिए है ना, युधिष्ठिर महाराज की धर्मनिष्ठा, कर्ण की दानशीलता, नकुल की समशीलता, कुंती महारानी की भक्ति और भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता पूरे महाभारत में देखने को मिलेगा। कि कैसे वो अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करते हैं, भक्त वत्सलता। जहां जहां महाभारत में भक्तों को कष्ट मिलते हुए दिखता है, कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये पूरे महाभारत में देखने को मिलता है। तो भगवत गीता क्या है, भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता है। भगवत गीता का संदेश जो है कृष्ण की भक्त वत्सलता है। किसके लिए वो भक्त वत्सलता, किसके लिए, केवल अर्जुन के लिए ना, अर्जुन तो माध्यम है, अर्जुन के बाद में होने वाले इस पृथ्वी पर या कहीं पर भी कृष्ण के समस्त भक्तों के लिए भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता है। वो इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो उनकी सहायता के लिए इतना सुंदर ज्ञान वो प्रकट कर रहे हैं, कनेक्ट। हाँ, ये महाभारत और गीता का लिंक हो गया। गीता क्या है, कृष्ण की भक्त वत्सलता है। तो अब ये ग्रंथ को हमें क्यों पढ़ना है, अनेक कारण हो सकते हैं इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, लेकिन हम प्रभुपाद जी के शब्दों में से अगर देखें तो प्रभुपाद जी गीता के ही दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कि कोई भी व्यक्ति गीता के इस उपदेश को या शिक्षा को स्वीकार करता है तो उसका समस्त अज्ञान मिट सकता, क्योंकि ये गीता व्यक्ति को सिखाती है कैसे कृष्ण के प्रति व्यक्ति शरणागत हो सकता है, हर परिस्थिति में कंप्लीट मात्रा में शरणागत हो सकता है। और वो व्यक्ति फिर इस कारण से जन्म मृत्यु के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। ये गीता का हमें उद्देश्य प्रभुपाद जी के शब्दों में पता चलता है। ऐसे तो गीता को पढ़ने के अनेक लाभ होते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है गीता महात्मा, जो पद्म पुराण में दिया गया है। शिव जी माता पार्वती को गीता के महत्व को बताते हैं, तो उसमें हर अध्याय को सुनने से क्या लाभ मिलता है वो पता चलता है। जैसे जैसे हमारा अध्याय होता जाएगा उसका वीडियो भी हम आपको ग्रुप में देते जाएंगे, आप उसको सुन सकते हो, छोटे छोटे से कहानियां हैं 10 मिनट 15 मिनट। तो ऐसे गीता से अनेक लाभ है, भौतिक लाभ भी हैं और आध्यात्मिक लाभ भी हैं, लेकिन परम लाभ यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, कि उससे भगवान के चरणों में शरणागति आती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है।
ये अल्टीमेट लाभ, अल्टीमेट बेनिफिट जो हमें गीता पढ़ने से प्राप्त होता है ना। और इसको पढ़ने के लिए योग्यता क्या चाहिए, क्या योग्यता होने की व्यक्ति गीता को समझ सकता है। यदि कोई पूछे कि गीता कैसे पढ़ी जा सकती है, तो आपने ये कहानी सुनी होगी, दक्षिण भारत में एक वैष्णव था, एक ब्राह्मण था, और उसके गुरु ने उसे कहा कि तुम प्रतिदिन गीता को पढ़ो, है ना। लेकिन वो तो संस्कृत जानता नहीं था, उसको तो संस्कृत आती नहीं थी, लेकिन गुरु ने कहा प्रतिदिन गीता पढ़ना है। तो व्यक्ति क्या करता था कि गुरु ने आदेश दिया है तो किसी न किसी प्रकार कोशिश करनी होगी, निभाना होगा आदेश। तो वो क्या करता था, एक भगवान विष्णु का मंदिर था, वो मंदिर हर दिन जाता था। तो वो मंदिर जाकर अपने साथ गीता की कॉपी ले जाता था और उसको पढ़ने की कोशिश करता। अब पढ़ना आता नहीं, संस्कृत तो सीखा नहीं है, तो कितनी बार वो ये भी नहीं देखता था कि गीता उल्टी पकड़ी है या सीधी पकड़ी है, उसको पकड़ के बस जो भी है पढ़ने लगता था, है ना। तो उसको देखकर उस मंदिर में जो दूसरे बड़े पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण थे, हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे उसका, ये देखो इसको तो पढ़ना भी नहीं आता, ये कैसे पढ़ रहा है। लेकिन ये व्यक्ति पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो जाता था और रोने लगता था, आंखों में से आंसू बहते थे, रोमांच हो उठता था शरीर में, है ना, और आनंद हो जाता था हृदय पे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों के उस समय में श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने कृष्ण के अवतार में गीता को कहा है, दक्षिण भारत की यात्रा में थे और वो उस मंदिर पर पहुंच जाते हैं। तो जब उस मंदिर में पहुंचते हैं, वो उस पूरे तमाशा को देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है विग्रह के सामने गीता पढ़ रहा है, मतलब जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है और रो रहा है, और कुछ दूसरे ब्राह्मण है जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जाकर उनसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें गीता में क्या आनंद मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को मुखमंडल को देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो अनुभूति हो रही है और तुम इस प्रकार से भाव भी प्रदर्शित कर रहे हो। तो मुझे पता नहीं मुझे क्या आनंद मिलता है, और मैं तो कुछ समझता भी नहीं हूँ, मुझे पढ़ना कहाँ आता है। नहीं, गुरु ने आदेश दिया तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो उस कारण से मेरे मन में एक विचार आता है, और वो विचार ये है कि जब भी मैं गीता के बारे में सोचता हूँ, एक छवि मेरे मन में आ जाती है। और वो छवि क्या है कि भगवान कृष्ण, जो कि समस्त ब्रह्मांडों के नायक हैं, जिनके जब वो महाविष्णु के रूप में अवतरित होते हैं, उनके शरीर के अलग 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 इतने सारे जो रोमकूप हैं, उसमें से इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, वो महेश्वर प्रभु जो हैं, भगवान जो हैं, वो अपने भक्त के रथ के चालक बन गए। जब मैं इस छवि को अपने मन में देखता हूँ, तो भगवान के इस भक्त वत्सलता को देखकर मेरे आंखों में से आंसू बहने लगते हैं कि भगवान कितने महान हैं, कि उन्होंने अपने भक्त का ड्राइवर बनना पसंद कर लिया। तो इसलिए वो मुझे आनंद देता है, ये बात बस सोचने से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उस भक्त का आलिंगन किया, उस ब्राह्मण का, और कहा कि तुमने तो गीता समझ लिया, तुमको पढ़ना नहीं आता लेकिन तुम गीता समझ गए, क्योंकि तुम जो गीता का भाव है उसको पकड़ लिए कि देखो कृष्ण कितने ज्यादा प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, कि उन्होंने इस चीज को भी स्वीकार कर लिया कि वो अपने भक्त का ड्राइवर बन गए। और महाप्रभु ने कहा तुम ही गीता जानते हो और कोई नहीं जानता, तुम गीता को समझते हो। तो यहाँ पर कृष्ण स्वयं प्रमाण दे रहे हैं किसी को, आप गीता जानते हो, और किसका प्रमाण चाहिए भाई, गीता कहने वाला कह रहा है कि आप गीता समझते हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो ब्राह्मण में क्या योग्यता थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन कैसे गीता समझ गया, क्या योग्यता थी। तो योग्यता यहाँ पर ये नहीं कि आपकी बुद्धि बहुत होनी चाहिए, आप बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, आपका स्मरण शक्ति बहुत होना चाहिए, श्लोक एकदम तुरंत याद हो जाना चाहिए, करेक्ट, ये सब तो योग्यता यहाँ पर हमको देखने को मिलती नहीं है। क्या योग्यता देखने को मिलती है, गुरु के वचनों पर श्रद्धा, है ना, भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण, वो योग्यता, भगवान के प्रति भक्ति का भाव, है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको 8 ऑप्शंस देता हूँ, और इसमें से आप बताना कौन सा गीता को समझने के लिए योग्यता चाहिए, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप चाहो तो चैट बॉक्स में भी हाँ ना कह सकते हो, और ऐसे अनम्यूट करके बोलेंगे तो फिर तो इतने सारे लोग हैं, सबका उत्तर कैसे लेंगे, लेकिन आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे कि मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, ये गीता को समझने के लिए क्या योग्यता है कि हमारी बहुत अच्छी स्मरण शक्ति होनी चाहिए।
तुरंत जो भी पढ़ेंगे याद हो जाना चाहिए। क्या ये योग्यता है? नहीं है, है ना। तो जिसकी मेमोरी शक्ति अच्छी नहीं है उसको चिंता रहने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं, कोई योग्यता नहीं। फिर दूसरा श्रद्धा, भगवान के शब्दों में श्रद्धा, क्या ये योग्यता है? चिंता को समझने के लिए है, करेक्ट, है ना, श्रद्धा चाहिए समझने के लिए। फिर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, मतलब एकदम तेज बुद्धि, है ना, कुछ भी पढ़ो तो तुरंत समझ में आ जाए, शब्दों का अर्थ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। क्या वो गीता के समझने के लिए योग्यता है? नहीं है, करेक्ट, नहीं है। और फिर आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए श्लोकों का, आप एक एक संस्कृत के जो अक्षर है उसका उच्चारण बहुत अच्छे से कर सको, है ना, श्लोकों का स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सको। क्या वो योग्यता है गीता को समझने के लिए? वो भी नहीं है, बिल्कुल सही बात। अच्छा चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, क्या वो योग्यता है गीता को समझने के लिए कि हमारा चरित्र अच्छा हो? नहीं। कुछ लोग इसमें ना बोल रहे, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। अच्छा चरित्र होना चाहिए, है ना, जितना हमारा अच्छा चरित्र होगा उतना ज्यादा हम गीता को समझ पाएंगे। और हमें बहुत बड़ा पंडित होना होगा, मतलब हमें संसार में इतने सारे जो विषय हैं उसका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तब हम गीता को समझ सकते हैं, है ना। तब ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, करेक्ट, कोई जरूरत नहीं। और भगवान के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए गीता को समझने के लिए। हाँ, ओके, वेरी गुड, भक्ति का भाव होना चाहिए। और लास्ट, हमारी आध्यात्मिक साधना जो हम प्रतिदिन करते हैं, भगवान का नाम लेना, भक्ति की सेवा करना, साधना, क्या उसका कुछ लेना देना है गीता को समझने से? यस, है ना, साधना अच्छी होगी तो हम गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। ये इससे हमें पता चलता है क्या योग्यता चाहिए हमको गीता को समझने के लिए, कैसे करना है। तो गीता के जो श्लोक हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे तो इस एक सूत्र को आप लेकर चलिएगा, एक सूत्र, बस एक ही सूत्र देंगे। वो क्या है कि जब हम कोई भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको हर बात समझ में आए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, है ना। उसका कारण क्या हो सकता है? अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या, वैसे ही हम कौन से पूर्ण हैं जो हमको पूर्ण ज्ञान तुरंत समझ में आ जाए, राइट। हम तो अपूर्ण हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान तुरंत समझ में आ नहीं पाएगा, इसका इसका जरूरी तो है नहीं। दूसरी बात कि क्या पता अभी तक हम उस ज्ञान को समझने के लिए तैयार भी ना हो, वी आर नॉट रेडी फॉर इट, अभी वो समय नहीं आया कि हम उसको समझ लें, वो समय बाद में भविष्य में आएगा, तो कुछ समय प्रतीक्षा की भी आवश्यकता हो सकती है ना। तो इसलिए हम जब श्लोकों को पढ़ते हैं और कुछ वचनों को पढ़ते हैं, विशेषकर जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ते हैं, मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ, जहाँ पर भी पढ़ाता हूँ तो मैं सबको यही कहता हूँ, आप इस बात को लेकर चलो कि ये जो लिखा है ये सही लिखा है, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, क्योंकि ये गलत हो कैसे सकता है, जब ये भगवान की वाणी है तो गलत कैसे हो सकती है, पहली बात। और अगर वो गलत है तो फिर मैं उसको पढ़ूं ही क्यों, है ना। अब वो मेरे बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जज करूँ ये सही है कि नहीं है, तो फिर तो मुझे मतलब आवश्यकता ही क्या है उस ग्रंथ को एक पूर्ण ग्रंथ के रूप में स्वीकार करने की, फिर तो वो एक संसार में एक आम इंसान होता है, उसका कुछ लेख होता है, मैं उसके हिसाब से उसको लूंगा ना, फिर मैं उस ग्रंथ की पूजा क्यों करूंगा, उसको इतना ऊपर क्यों समझूंगा। तो पहली बात तो जब भगवान की वाणी है वो गलत हो नहीं सकती, है ना, और जब वो उसके ऊपर, उस वाणी के ऊपर में प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध वैष्णव कुछ समझा रहे हैं वो भी गलत नहीं हो सकता, है ना, वो सही होना ही होना है। अब ये बात दूसरी है कि शायद वो मुझे समझ में ना आ रहा, ये बात दूसरी हो सकती है, नहीं वो गलत नहीं हो सकता है ना। तो हम जब कुछ पढ़ते हैं समझ में नहीं आता तो हमको ये प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए कि ये सही है या गलत है, हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये सही तो है लेकिन ये कैसे सही है, मुझे ये जानना है ना। इट इज करेक्ट बट हाउ इट इज करेक्ट, ये मुझे समझना है। और जब हम इस भाव से ग्रंथ को पढ़ते हैं, क्योंकि हम चैलेंज नहीं कर रहे, हम चुनौतीपूर्ण भाव नहीं रख रहे हैं, तो वो ग्रंथ फिर हमें ये ज्ञान आगे जाकर प्रकाशित भी करता है ना, कि हाँ आपको ये समझना है तो ये ऐसे समझ जाए,
वो अपने आप बुद्धि आ जाएगी। लेकिन अगर हम चुनौतीपूर्ण भाव से पढ़ेंगे तो वो ग्रंथ हमको बुद्धि नहीं देगा उसको समझने का। तो ये सिद्धांत को स्वीकार करना है, इसलिए इस श्लोक को ध्यान रखना है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिस व्यक्ति की पूर्ण श्रद्धा है गुरु में और कृष्ण में, उसके हृदय में सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त बाहर से नहीं किया जाता, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त अंदर से किया जाता। बाहर से तो हम केवल प्रेरणा देते हैं उस ज्ञान को हृदय में जागृत करने के लिए, वो प्रकाशित होता है, वो अंदर से प्रकट होता है। और वो अंदर से प्रकट कब होता है? जब एक शिष्य में, एक स्टूडेंट में, छात्र में, ये दो चीजें होती हैं, गुरु पर और भगवान पर श्रद्धा। तो ये ज्ञान अंदर से प्रकट होता है और फिर वो ज्ञान अटूट विश्वास में बदल जाता है। और जब वो अटूट विश्वास में बदल जाता है और उसको अपने जीवन में उतारने लगते हो, तो फिर कुछ ही समय बाद वो अनुभव बन जाता है ना, और फिर उसका साक्षात्कार हो जाता है ना। इस प्रकार वो व्यक्ति उस ज्ञान में पूरी तरह से फिर मग्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहेगा इस शास्त्र के अध्ययन में। तो अभी हम क्या करेंगे, आप सभी के पास में जो बुक है आप वो खोल सकते हो, भगवद्गीता यथारूप, उसको खोलिए। तो जैसे आप भगवद्गीता खोलेंगे, भगवद्गीता को खोलिए, तो आप फर्स्ट में क्या पढ़ाते हो, वहाँ पर फर्स्ट पेज जब आप देखते हो, वहाँ पर आप देखते हो प्रभुपाद जी ने भगवद्गीता को किन्हीं को समर्पित किया है, डेडिकेटेड, देखा आपने, फर्स्ट में दिया है। किन को समर्पित किया है, किनका नाम दिया गया है वहाँ पर, प्रभुपाद जी ने किन्हीं को भगवद गीता समर्पित किया है, क्या नाम है उनका, फर्स्ट फर्स्ट, हम आपको फर्स्ट पेज से भी पहले बताने के कह रहे हैं। जैसे आप बुक खोलते हो, समर्पण, देखा पेज लिखा है समर्पण, किनका नाम है, श्रील बलदेव विद्या भूषण, एक महान वैष्णव आचार्य बलदेव विद्या भूषण। तो इनके बारे में हम आगे भी जानेंगे, प्रभुपाद जी इन्हीं को क्यों समर्पित किया, क्योंकि ऐसे तो मैंने बताया आपको बहुत सारे वैष्णवों ने गीता पर टीका लिखी है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन बलदेव विद्याभूषण को ही क्यों समर्पित किया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण की टीका से बहुत कुछ लिया है और हमें इस गीता में दिया है, पहली बात। दूसरी बात, बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गीता के 5 विषयों को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। गीता में 5 विषय हैं और उन्होंने उसकी व्याख्या इतनी अच्छे तरीके से की है, जब हम भूमिका पढ़ेंगे आप उस चीज़ को जानोगे, तो उसे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, भगवान की शक्ति क्या होती है, काल क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या है, उनको बहुत ही अच्छे से बता दिया। तो प्रभा जी उसे इतने प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने अपनी गीता को उनको समर्पित कर दिया, है ना, ये गीता का श्रेय मैं आपको देता, ये गीता आपको समर्पित है बलदेव विद्याभूषण के रूप में। और वो अपने तात्पर्य में बलदेव विद्याभूषण की टीकाओं से बहुत कुछ लेते हैं, जो हम जब पढ़ेंगे हमको उसका पता चलेगा। बलदेव विद्याभूषण एक महान वैष्णव थे, ओरिजिनली वो मध्व संप्रदाय से थे और इसलिए उनको शास्त्रों का बहुत गहरा ज्ञान था। बाद में जब वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कॉमेंट्री पढ़े, तो उनका गौड़िया वैष्णव परंपरा के प्रति आकर्षण हो गया, तो उन्होंने फिर मध्व संप्रदाय को छोड़कर वो गौड़िया संप्रदाय में आ गए। और उनका एक बहुत विशेष योगदान है कि उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर में गौड़िया वैष्णवों के लिए टीका लिखी, जिसको बोलते हैं गोविंद भाष्य। तो उसका उसका वर्णन इस प्रकार आता है, आपने शायद सुना होगा, आप जयपुर यदि गए हैं तो वहाँ पर एक मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर, जयपुर में बहुत ही विख्यात मंदिर है, जो भी जयपुर जाता है तो वो मंदिर के बारे में सुनता ही है, हर दिन जयपुर निवासी उस मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये जो राधा गोविंद देव जी हैं, एक बार ऐसा हुआ कि राजस्थान में जो राजा थे उनको कुछ वैष्णवों ने, रामानंदी संप्रदाय के वैष्णवों ने कंप्लेन कर दिया। क्या कंप्लेन कर दिया, कि ये जो गौड़िया वैष्णव हैं इनके पास में वेदांत सूत्र के ऊपर में कोई टीका नहीं, तो ये प्रामाणिक संप्रदाय नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो अब प्रॉब्लम आ गई, भाई हमारी संप्रदाय तो प्रामाणिक है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसमें आए हैं, इतने महान महान वैष्णव
आचार्य हुए हैं, षड गोस्वामी इत्यादि, अभी आप कैसे कह सकते हो तो प्रामाणिक नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, चूंकि ये प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है ऐसा वो कह रहे थे, वो कह रहे थे जितने भी मंदिर में ये पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की, इन सबको उस सेवा से निकाल दो, तो बहुत बहुत बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो अब गौड़िया वैष्णवों को प्रूफ करना था कि नहीं हमारी तो संप्रदाय प्रामाणिक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, वेदांत सूत्र के ऊपर में गौड़िया वैष्णव आचार्य को किसी को टीका लिखनी होगी, जो कि आसान काम नहीं। तो सब उस समय वैष्णव आचार्य, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य थे वो थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन अब वो वृद्ध हो चुके थे और वो वृंदावन में थे, और उनके लिए संभव नहीं था कि वृंदावन से वो जयपुर जाए, राजा से मिले, इन सब पंडितों से मिले, उनके प्रश्नों का उत्तर दे और फिर वो टीका भी लिखे। तो उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण गुरु को भेज दिया कि आप जाएंगे जयपुर। तो जब वो वहाँ पर आए तो उस समय तर्क वितर्क हुआ राजा के महल में, दरबार में। तो उस समय राजा ने कहा बलदेव विद्याभूषण गुरु को कि देखो इनका जो कहना है वो सही है, आप प्रस्तुत कर दीजिए, आप अपनी टीका को प्रस्तुत कर दीजिए, तो हम मान लेंगे आप वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय हो, फिर आपके ऊपर में कोई नियम कानून जो लगाने चाह रहे थे नहीं लगेगा, सब छूट है आपको इस प्रकार से। तो बलदेव विद्याभूषण तो बोले ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन वेदांत सूत्र के ऊपर में टीका लिखना कोई आसान काम नहीं है। हाँ पहले पढ़ो फिर उसको समझाओ। उस कार्य को करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने 30 साल लगाए थे टीका लिखते हुए, और यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है कि अब तुरंत उसको प्रस्तुत कीजिए, 30 साल लगा था रामानुजाचार्य को उसको लिखने के लिए, और मध्वाचार्य को लगा था 12 साल, ठीक है इतना समय लगा था इतने महान लोगों को लिखने के लिए, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप तुरंत लिख दीजिए। तो बलदेव विद्याभूषण राधा गोविंद देव जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, इतना बड़ा कार्य हम कैसे कर पाएंगे। तो उस समय गोविंद देव जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं बोलूंगा तुम बस लिखते जाओ, मैं बोलूंगा तुम लिखते जाओ। तो 8 दिन में जो कार्य रामानुजाचार्य को 30 साल लगा, मध्वाचार्य को 12 साल लगा, बलदेव विद्याभूषण ने 8 दिन में गोविंद देव की सहायता से पूरा कर दिया, और उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा गोविंद भाष्य। इतने वो महान वैष्णव थे, और उसी भाष्य के अंतर्गत वो गीता के इन सिद्धांतों को और विषय को भी समझाते हैं जहाँ से प्रभुपाद जी ने उसको लिया है ना, तो इसलिए वो गीता को उनको समर्पित। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाएंगे तो क्या आता है फिर नेक्स्ट, क्या क्या निकलता है गीता में, खोलिए बुक को। ओके आमुख आता है, तो हम अब आमुख को पढ़ेंगे गीता, ठीक है आप आमुख खोल सकते हैं। सही, आमुख से पहले पृष्ठभूमि है, तो पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः ये संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो हमें समय का भी थोड़ा सा पता चल रहा है, आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाले भ्रातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, आप तो जानते हैं ये सब है ना, पता है, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। 3 भरत हुए हैं मानव इतिहास में है ना, जैसे कि एक तो हुए भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत, जो बहुत प्रचलित हैं विख्यात हैं, दूसरे हैं जड़ भरत है
है ना, जो पहले भरत महाराज थे, है ना, वो हिरण बन गए, फिर जड़ भरत के रूप में आए। और तीसरे थे जो महाराज दुष्यंत के पुत्र थे, संत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। उस भरत के नाम पर ये पूरे देश का नाम पड़ा महा, मतलब महाभारत, भारत नाम था, या महाभारत जिस प्रकार से भी आप लीजिए, बड़ा भारत। तो ये इसका वर्णन प्रभु जी यहाँ पर करते हैं। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रखे दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण उनके प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अभी तो साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। भगवान अवतरित होते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग परिवार में जन्म लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर अवतार में वो एक क्षत्रिय के रूप में आए हैं, है ना, और यदुवंश में उन्होंने जन्म लिया है। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रिथा पांडवों की माता के भतीजे थे। ये तो आप जानते हैं, संबंध कैसे बनता है, पता है किसी को, सबको पता है कि एक राजा थे, उनका नाम था सूरसेन। तो राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव, उनकी ही पुत्री थी प्रिथा। लेकिन राजा सूर्यसेन के एक मित्र और एक समझ लीजिए कजिन ब्रदर के रूप में कुंती भोज नाम के एक राजा थे। तो कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, तो सूर्यसेन ने क्या किया, अपनी पुत्री प्रिथा को कुंती भोज को दे दिए। अब कुंती भोज की चूंकि वो पुत्री हो गई, उसका नाम क्या पड़ गया, कुंती। वैसे तो ओरिजिनली उसका नाम था प्रिथा, लेकिन कुंती भोज की पुत्री होने के कारण उसका नाम हो गया कुंती, और वो बहन थी वसुदेव की। तो भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रहे हैं, तो कुंती उनकी बुआ हो गई। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये, क्लोज रिलेशनशिप। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्म परायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे, उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्यों से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। ये शॉर्टकट में पूरा बताया जा रहा है ताकि हम वहां तक पहुंच जाएं, युद्ध तक पहुंच जाएं। वनवास कर से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा कि तो उस किंतु उसे उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोन्मोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। यहाँ पे हम एक चीज देख पाते हैं, मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि भगवान के भक्तों में, विशेषकर यहाँ 5 पांडवों में, कितने सुंदर गुण हैं। मतलब आप एक हद होती है, एक सीमा होती है सहने की, आपका अधिकार बनता है, वो प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन वो बोल रहे हैं ठीक है आप हमें कुछ मत दो, बस 5 गांव दे दो,
जहां पर आप पूरे विश्व का सम्राट बन सकते हो, आप उस चीज को ठुकरा कर बोल रहे हो कि मुझे बस आप छोटे से 5 गांव दे दीजिए। मतलब कितना ज्यादा उनमें सहन शक्ति है, कितना ज्यादा वो समझौता करने के लिए तैयार है पूरी तरह से, है ना। उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि युद्ध हो और लोग मारे जाएं, लोगों को कष्ट पहुंचे, बस हमें 5 गांव दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए, क्यों आगे जाकर ये बताया जाएगा कि जब व्यक्ति में ऐसे दिव्य गुण होते हैं तो वैसे व्यक्ति के लिए गीता जैसे ग्रंथ को समझना आसान हो जाता है, वो गीता को समझ सकता है, क्योंकि जैसा हमारा हृदय होगा उसी प्रकार का ज्ञान तो उसमें बसेगा है ना। जैसे हम होंगे वैसा ही तो ज्ञान हमारे हृदय में बसेगा, तो जब हम शुद्ध होंगे तो शुद्ध ज्ञान हृदय में बस पाएगा, नहीं तो वो नहीं बस पाएगा। न तो उसके प्रति आकर्षण जागृत होगा, न वो हृदय में रह पाएगा। यहाँ पर एक दिव्य गुण हमको पांडवों में देखने को मिल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षों की इच्छा के अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध ये था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को ही उतनी आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभ आरंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। कृष्ण को व्यक्ति यूज करता है और जो स्वयं कहना चाहता है वो कह देता है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अपने नाम से पुस्तक छापेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा ना। गीता कहकर छापोगे तो बहुत लोग खरीदेंगे, है ना। अपने नाम से छापोगे तो कौन खरीदने वाला है, कौन आपको जानता है, कौन आपको वैल्यू देता है। लेकिन आप गीता शब्द प्रयोग करोगे तो सब बोले अच्छा गीता है, वो खरीद लेंगे, पढ़ेंगे। तो व्यक्ति कृष्ण को यूज करना चाहता है, कृष्ण के नाम को यूज करना चाहता है अपना काम बनाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। वो तो गलत हो गया ना, एक प्रकार से देखा जाए तो वो एथिकल बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में लोग कुछ भी छोटा सा करते हैं अपना नाम उसमें जोड़ देते हैं, ना कि ये हमारे द्वारा बनाया गया है। गाना लिखा तो हमने लिखा, पिक्चर बनाई तो हमने बनाई, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो हमने किया। यूएस में तो छोटे से छोटे चीज को पेटेंट कर देते हैं कि कोई भविष्य में इस चीज को बना ही नहीं सकता, और अगर बना भी देगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा कि भाई पहले हमने बनाया था, अभी आप जो बना रहे हो तो कॉपी करके बना रहे हो। तो हम थोड़ा थोड़ा भी काम करते हैं हमको क्रेडिट चाहिए उस चीज का, लेकिन हम भगवान को क्रेडिट नहीं देना चाहते, या फिर वो जो कार्य किए हैं वो उसका उसका फल उनको जाए वो नहीं सोचते। कृष्ण ने गीता कही, अब गीता का नाम यूज करो और अपनी पुस्तक छापो और उससे पैसा कमाओ, अपनी विचारधारा व्यक्त करो। युवराज जी कहते हैं लोग इस प्रकार कार्य करते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक तथा कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बनाए दिए जाते हैं, किंतु साक्षात कृष्ण भगवद गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः ये अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ गया भाष्य पाठक को
कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवद गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस तरह ये पूर्णतया ग्रंथ तथा संगत बन जाती है। चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अतः यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथारूप में प्रस्तुत करता है। इसके बाद में एक आमुख है जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखा है कि उन्होंने भगवद गीता को इस प्रकार क्यों प्रस्तुत किया, ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित आपका एक निबंध भी है आपकी बुक में। मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि आपको निबंध लिखने होंगे, तो एक निबंध का क्वेश्चन इस आमुख से है। तो आमुख में श्रील प्रभुपाद जी के भाव को हम जान पाते हैं, उनका भाव क्या है, उन्होंने भगवद गीता किस भाव से प्रकट किया है, लिखा है, दिया है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, अमुक तो आप सभी से भी ये निवेदन है कि आप भी पढ़ना चाहें तो आप हाथ उठा सकते हैं, आपको अवसर दिया जाएगा, आप एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हो, जो स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है अच्छे से वही वही कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। ठीक है, तो अमुक पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेंगे? अम्बरीश प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे, अनम्यूट करके पढ़ सकते। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कीजिए प्रभु जी, अद्भुत। पढ़िए पहला पैराग्राफ, पढ़िए। आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा प्रभु जी, आप ब्लूटूथ माइक्रोफोन ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं क्या? फोन में क्लियरली अब क्लियर है प्रभु जी? क्लियर वॉइस क्लियर? जी। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथा रूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्या छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्तांतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवद्गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हमारा थैंक यू ब्रदर, कृष्ण अब दूसरा पैराग्राफ कोई और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रकाश शर्मा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? धन्यवाद हाँ, अरे पढ़िए। प्रणाम। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमरीकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमरीका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व परिवर्तित हो चुका है और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो
तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। थैंक यू। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी का क्या भाव प्रकट हो रहा है, तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी अपनी नम्रता को प्रकट कर रहे हैं, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, इसका श्रेय किनको जाता है, मेरे गुरु महाराज को जाता है। कृतज्ञता है, नम्रता है, वो अपने आप को श्रेय नहीं दे रहे, गुरु को श्रेय दे रहे, है कि नहीं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। प्रगति श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथा रूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिज्ञ दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथा कथित विद्वान राजनीतिज्ञ दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, तो बहुत स्पष्ट है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृष्ण की गीता को यूज करते हैं लेकिन कृष्ण को जो स्थान होना चाहिए वो नहीं देते और कृष्ण के शब्दों को बदल देते हैं, तो ये तो गलत हुआ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कहता हूँ और उस बात को कहीं कोई दूसरा व्यक्ति ये कहे कि उन्होंने तो वैसा कहा था लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा ना कह के उसको बदल दे यदि वो व्यक्ति, तो ये तो गलत होगा, ये तो झूठ बोलने के समान होगा। आप किसी और व्यक्ति के नाम को यूज़ कर रहे हो तो आपको वैसा ही कहना चाहिए, है ना, करेक्ट। तो ये गलत है। नेक्स्ट उमा शर्मा माता जी करिए, अनम्यूट कीजिए पहले आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनवत प्रणाम। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए श्री कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और श्री कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। श्री कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए
बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए श्री कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवद गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके नेक्स्ट कौन होंगे? दूसरे उमा माता जी एक और है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? जी जी जी। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान के का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उससे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, भगवान यही चाहते हैं और उसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवद गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवद गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत ही सुंदर यहाँ पर भी प्रभुपाद जी का भाव प्रकट हो रहा है। इतना महान प्रयास और उसके लिए बदले में उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक व्यक्ति भी भक्त बन जाए। इतना संघर्ष और उसके बाद मतलब एक व्यक्ति भक्त बन जाए, तो कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है क्या? कोई व्यक्ति अगर आम से आम इंसान भी पुस्तक लिखता है तो सोचेगा इसकी हजारों कॉपी बटे, है ना, इतना हमको इससे सक्सेस मिले, ये हो, हमने इतनी मेहनत की, इतना पसीना बहाया ये करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने कम संघर्ष किया इस गीता को हमें देने के लिए। पहली बार जब उन्होंने संघर्ष किया 10 साल लगे उनको 1200 पेज का कॉमेंट्री लिखने में, लेकिन वो चोरी हो गए, 10 साल की मेहनत बेकार गई। 1938 से लेकर 1948 10 साल इतना मेहनत किया था उन्होंने, वो सब चला गया। तो उसके बाद में जब दोबारा गीता पर टीका लिखने की कोशिश की 1965 में, वो यूएस में जब पहुंचे तो कुछ कार्य किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने उनके कमरे में चोरी की, उनका टाइपराइटर, उनके ग्रंथ और जो भी उन्होंने लिखा था सब कुछ चुरा के ले गए। तो दूसरा प्रयास में भी विफलता मिली। फिर जब तीसरा प्रयास किया तब जाकर वो 1200 पेज की फिर से गीता लिख पाए और वो छापने चाह रहे हैं। अब सोचो जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन लगा दिया कोई कार्य करने में, अब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं लिखते समय, यहाँ एक व्यक्ति भक्त बन जाए, एक व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बन जाएगा मैं इस कार्य को सफल मानता हूँ।
तो ये हमें एक शिक्षा मिल रही है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर जो बात लिख रहे हैं वो कृष्ण गीता में जो हमें शिक्षा देंगे कि देखो एक भक्त को ऐसा होना चाहिए, एक भक्त को कैसा होना चाहिए, कृष्ण गीता में इस बात को सिखाएंगे क्या? सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जय जय, अर्जुन तुम कर्तव्य के रूप से युद्ध को लड़ो, ये मत सोचो जीतोगे कि हारोगे, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, हानि होगी कि लाभ होगा, युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, परिणाम के लिए युद्ध मत करो, युद्ध करो तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। मैं कह रहा हूँ हम उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद जी में भी देख रहे हैं क्या, कि गीता के ऊपर में टीका लिखना या गीता छापना अंग्रेजी में ये मेरे गुरु का आदेश था और मैं ये कर रहा हूँ। अब इस गीता के द्वारा कोई भक्त बने ना बने, सफलता मिले ना मिले, वो छोड़ दीजिए, मेरा काम है, मुझे आदेश दिया था गुरु ने, आप गीता का अंग्रेजी में प्रचार कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मैं परिणाम के बारे में नहीं सोचा। नहीं तो ऐसा कोई लिखती थोड़ी ना कहेगा कि एक व्यक्ति भक्त बन जाए, है ना, ये तो बहुत कम एक्सपेक्टेशन, मतलब एक व्यक्ति भी भक्त बन गया तो हमारा पूरा का पूरा एफर्ट सक्सेसफुल। तो ऑफकोर्स एक व्यक्ति क्या, अन्य व्यक्ति लाखों व्यक्ति प्रभुपाद जी के ग्रंथों से भक्त बने हैं, है ना, लेकिन उनका ये भाव है जो हमें आमुख से पता चलता है। तो ऐसा ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गए जो टीका है उसको हम पढ़ेंगे तो हम सच में कृष्ण के भाव को समझ पाएंगे, है ना। कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं उसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक होता है शब्दार्थ और दूसरा होता है भावार्थ। शब्दार्थ मतलब क्या हुआ, शब्द है, डिक्शनरी खोलो उसकी मीनिंग को देखो और समझ जाओ। तो संस्कृत में भी अलग अलग डिक्शनरी होती है जिसको निरुक्ति कहते हैं, तो चूंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, आप डिक्शनरी खोलोगे तो एक ही शब्द के बहुत अर्थ निकल जाएंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा अर्थ यहाँ पर सबसे ठीक बैठता है तो आप उसको चूज कर लो, है ना। लेकिन वो बुद्धि का खेल है, अब अगर आपने कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ठीक से कर दिया तो आप वो भी लगा सकते हो, तो उसको बोलेंगे शब्दार्थ। तो जो लोग संस्कृत के पंडित होते हैं वो भी संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर उसका एक अर्थ दे सकते हैं हमको कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि आप शब्दार्थ अच्छे से पकड़ लिए तो आप उस व्यक्ति का जिसने ओरिजिनली इसको कहा था उसके भाव को भी पकड़े हो, ऐसा तो जरूरी हो नहीं सकता, है ना। जैसे कि मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूँ कि समझ लीजिए मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ मेरे कमरे में, और वो उस व्यक्ति ने कुछ कुछ लिखा है और वो मुझे दिखा रहा है कि प्रभु जी जरा जरा देखिए कैसा लिखा है बताओ मुझे, ठीक है। अब उसने बहुत ही बुरा लिखा हो, बिल्कुल भी बेकार लिखा है, अच्छा नहीं लिखा, लेकिन मैं व्यंग करते हुए बोलूं क्या लिखा है आपने, तो अभी जो मेरे सामने होगा वो जब इसको सुनेगा तो वो तो जान लेगा कि अरे ये तो व्यंग रूप से बोला जा रहा है, ये तो मेरी टांग खींच रहे है, ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे है, ये तो बोल रहे कि बुरा लिखा है, लेकिन बोलने का भाषा क्या हो गया, क्या लिखा है आपने, है ना, लेकिन व्यंग है। अभी इसी चीज को अगर मैं समझ लीजिए इसी बात को हम एक एक रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं, रिटर्न फॉर्म में, कि एक एक व्यक्ति था उसने मधुसूदन विश्वनाथ से पूछा कि मैंने कैसा लिखा है, मधुसूदन विश्वनाथ ने कहा अरे क्या कितना अच्छा लिखा है आपने। तो इसको पढ़ने वाला अब कंफ्यूजन में पढ़ सकता है ना कि यहाँ पे मधुसूदन विश्वनाथ जी प्रशंसा कर रहे हैं या व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि भाव तो उसको समझ में आएगा नहीं, वो तो वहां पर था नहीं, भाव तो उसी को समझ में आएगा जो वहां पर था जिसने उस व्यक्ति के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा ये कैसे बोला, है कि नहीं। तो शब्दों को पढ़ने से हमेशा भाव समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव जो हैं चूंकि वो भगवान से जुड़े हैं हृदय से तो वो भगवान के भाव को पकड़ पाते हैं कि हाँ कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, अर्जुन ऐसा पूछ रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, इस शब्द के पीछे क्या वास्तविक अर्थ है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर केवल शब्दार्थ नहीं दिया है हमें, भावार्थ दिया है कृष्ण के भाव को, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को अच्छे से जानते हैं, संबंध है उनके साथ में, हृदय का संबंध है, तो वो उनके व्याख्या की विशेषता है, हमें इसके द्वारा कृष्ण का भाव समझ में आता है, वास्तविकता कृष्ण में क्या कहना चाहता है, ये विशेषता है इस भगवद्गीता यथारूप की।
तो कल से हम भूमिका शुरू करेंगे, आज स्टार्ट नहीं करेंगे, या फिर आज स्टार्ट कर देते हैं, छोटा सा भाग इसका भूमिका ले लेते हैं, कल आगे से उससे आगे बढ़ेंगे। भूमिका में जब आप खोलते हो भूमिका फर्स्ट पेज, तो यहाँ पर आप देखते हो कि पहला पेज और दूसरा पेज का आधा भाग इसमें कुछ संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, इसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगला चरण उच्चारण, मंगल की कामना के लिए कहे गए श्लोकों को मंगलाचरण कहते हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं उससे पहले कामना करते हैं कि ये कार्य संपन्न हो जाए, अच्छे से हो, है ना, हम इससे जो प्रयोजन प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिल जाए, तो मंगलाचरण उसको कहा जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले प्रार्थना की जाती है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण है, प्रभुपाद जी मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण के बारे में ऐसे बताया जाता है, उसमें तीन विषय हो सकते हैं। एक होता है वस्तु निर्देश, कि ये मंगलाचरण के द्वारा हम पता चलेगा कि ये कार्य क्या हो रहा है, वस्तु निर्देश। दूसरा मंगलाचरण में रहता है कि हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, कृपा याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरा क्या होता है कि मंगलाचरण में जो लेखक है वो अपने ऑडियंस को, श्रोता को, पाठक को आशीर्वाद देता है कि आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे तो आपको वो लाभ मिलेगा। तीन बातें हो गई, आपको विषय समझ में आएगा, दूसरा आपको प्रणाम के बारे में पता चलेगा, तीसरा आशीर्वाद। ये जो मंगलाचरण है जिसमें प्रभुपाद जी ने अलग अलग व्यक्तियों के प्रति प्रार्थना की है, उसमें केवल एक ही चीज़ है, वो क्या है, नमस्कार, प्रभुपाद जी प्रणाम करो, भगवान को, श्रीमती राधा रानी को, रूप गोस्वामी को, गुरुजनों को, वो मंगलाचरण। ये श्लोक आप याद कर सकते हो सबके, ऐसे बड़े सरल हैं, हम हर दिन उच्चारण करेंगे हर क्लास में, आप इसको याद कर सकते हो और इसका मीनिंग आप बाद में पढ़ सकते हैं हर श्लोक का, ठीक है। तो हम कल से शुरुआत कहाँ से करेंगे, नेक्स्ट पेज का जो पैराग्राफ है, भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो आपको वहाँ से लेकर, ऑफकोर्स ये मंगलाचरण भी आप पढ़ लीजिए, आपको वहाँ से लेकर पेज नंबर 9 तक, पेज नंबर 9 या 10 तक कल के लिए पढ़ कर आना है क्लास में, ठीक है। उतना आप रीड करके आइए कल के क्लास के लिए, 10 पेज तक पढ़ के आइए, क्योंकि हम क्लास में लाइन बाय लाइन हमेशा नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें समय बहुत चलना जाता है और फिर व्याख्या करने के लिए, चर्चा करने के लिए समय नहीं रहता है। तो हर क्लास में आने से पहले आपको कुछ रीडिंग असाइनमेंट दिया जाएगा, आप उसको पढ़ के आएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे लाभ ये भी है कि आप जब रीडिंग करोगे, रीडिंग करते समय आपको जो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं वो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि वहीं से आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। तो वो दोनों काम हो गया, पढ़ना भी हो गया, आंसर्स भी ढूंढने का लिए। और दूसरा, चूंकि ये विषय इतना आसान नहीं है, दो बार पढ़कर सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना, अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। हफ्ते में दो ही क्लासेस हैं, तो जो गैप है 5 दिन का, उसको आप यूज़ कर सकते हो रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब कल की क्लास दोपहर में 3 बजे टाइम पर ज्वाइन कीजिएगा, और आज की क्लास से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है, 2 या 3 4 प्रश्न हम ले सकते हैं, जिनका प्रश्न अपने हाथों पर रखिए या हाथ उठाइए, जिनका प्रश्न नहीं है आप हाथ नीचे कर सकते हैं। कल रीडिंग के लिए दूसरों को मौका मिलेगा जो आज नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन हो तो आप हाथ ऊपर रखिएगा प्लीज, अदरवाइज आप हाथ नीचे कर दीजिए। क्वेश्चन है सत्यनारायण प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है, नहीं नहीं प्रकाश शर्मा प्रभु जी, क्वेश्चन है आपका, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को बोलने के लिए इस धरा पे आए, तो भगवान का शरीर प्रभु जी सच्चिदानंद से बना होता है, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि देखने के लिए चाहिए, तो पांडव कौरव सबको उनका स्वरूप दिख जाता था, वास्तव में कैसे देख पाते थे वो? जी, तो जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, भगवान अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिखते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चूंकि वो ऑलरेडी शुद्ध हैं,
तो उनको ऐसा नहीं कि कोई विशेष दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो उनको वो तो जिस स्वरूप में वो दिखेंगे, है ना। और जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है उनको वो वैसे नहीं दिखेंगे, किसी और प्रकार से दिखेंगे। तो वो उस व्यक्ति के हृदय की शुद्धता के अनुसार वही एक व्यक्ति कृष्ण अलग अलग दिखते थे। कोई उनको सामान्य इंसान के रूप में देखता था, कोई उनको सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में देखता था, है ना। तो वो भगवान में विशेष गुण है कि वो अपने आप को अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग तरीके से प्रकट कर देते हैं उनके योग्यता के अनुसार। तो पांच पांडव तो शुद्ध भक्त थे, तो वो तो नॉर्मल, उनकी नॉर्मल सी बात थी, एक ही अवस्था है ना, ये भी शुद्ध है वो भी शुद्ध है, वो तो देख ही पाएंगे, है ना। लेकिन बाकी सबको कृष्ण वैसे नहीं दिखते थे जैसे कि पांडवों को दिखते थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछ लूं प्रभु जी साथ में। हाँ बोलिए ना प्रभु जी। कई गीता में लिखा होता है कि भगवत गीता जब बोले गई तो दसवां दिन था, भीष्म पितामह जो है तीरों की सैया पे सोए थे, तो इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं है, दसवां दिन बोला नहीं गया था। वो क्या हुआ था, मैं आपको अभी आपने प्रश्न पूछा तो आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली भगवत गीता जैसा हम आगे जाकर सुनेंगे जानेंगे, क्या हमें कैसे पता चलती है भगवत गीता क्या है, ये तो हमें धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से पता चलता है ना, करेक्ट। धृतराष्ट्र संजय से क्वेश्चन पूछता है कि क्या हुआ मुझे बताओ, तो संजय उनको सब कुछ सुनाते हैं, तो भगवत गीता से शुरुआत हो जाती है। तो महाभारत में क्या वर्णन है कि संजय जो है वो भी युद्ध लड़ रहे थे, वो रणभूमि पर थे और युद्ध लड़ रहे थे। तो पहला दिन का युद्ध लड़ा, दूसरे दिन का युद्ध लड़ा, तीसरे दिन का लड़ा, ऐसे 10 दिन युद्ध लड़े। ये 10 दिन के लिए, महाभारत के पहले 10 दिन के युद्ध में भीष्म पितामह सेनापति अध्यक्ष थे, कमांडर इन चीफ। लेकिन 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पितामह को गिरा दिया, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ी न्यूज थी, बहुत बड़ा समाचार था, हमें बहुत बड़ा धक्का लगा सभी को। तो संजय ने सोचा कि ये समाचार तो मुझे स्वयं धृतराष्ट्र को सुनाने जाना होगा। तो संजय रणभूमि छोड़कर रात को, जब सब विश्राम कर रहे थे, रात को रणभूमि छोड़कर हस्तिनापुर आए धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए। तो धृतराष्ट्र ने जब पूछा कि क्या हुआ, तो संजय ने बोला बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, तो क्या भीष्म पितामह हार गए। तो धृतराष्ट्र बोले ये तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, आप मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ, है ना। तब संजय ने फिर शुरू से चर्चा करना शुरू किया। तो वो कहाँ चले गए, पहला दिन में चले गए। पहला दिन में सबसे पहले क्या हुआ, गीता आई। तो जब आप महाभारत पढ़ोगे वो आपको 10वें दिन के बाद में पता चलेगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए वो वैसा है। लेकिन ऐसे कृष्ण ने पहले दिन के पहले ही की अर्जुन को, ठीक है। और प्रभु ये उसी उसी क्रम में लिखी हुई है जिस क्रम में बोली गई है, या व्यासदेव जी ने अरेंज किया है? नहीं 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 तो जब कृष्णा ने अर्जुन को बोला पहले दिन के पहले, लेकिन व्यासदेव ने में उस ऑर्डर में थोड़ी ना लिखा, व्यासदेव ने तो उस ऑर्डर में लिखा जिस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया है, तो इसलिए वो 10वें दिन में आ गया, समझ में आया, ठीक है, ओके, थैंक यू बाबू जी। प्रिया अभय माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हाथ ऊपर रखा हो? नहीं। उमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला वासुदेव जी और कुंती महारानी जो थे वो कजन, मतलब वो सगे भाई बहन थे, फिर अर्जुन और सुभद्रा माई भी तो ब्रदर सिस्टर्स हुए ना, फिर उनकी शादी कैसे? तो ये जो नियम है ये क्षत्रिय परिवार में नहीं लगता था, तो ये अलाउड था, वो कर सकते थे कि वो कजन ब्रदर सिस्टर्स का विवाह कर सकते, ये उस समय वैलिड माना जाता है, उसमें कुछ दोष नहीं होता था, इसलिए वो अलाउड था, ठीक है। ओके प्रभु जी। एंड प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन, मैंने मतलब जब भी भगवत गीता मतलब टीवी में देखी थी तो उसमें दिखाया कि संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के साथ ही थे, वो सही बात है ना कि संजय धृतराष्ट्र के पास जाता है उसको बताता है, लेकिन ऐसा वर्णन महाभारत में आता है कि संजय युद्ध लड़ रहे थे तो वो धृतराष्ट्र के पास में गए, उन्होंने पूरी रात उनको सुनाया, वापस से युद्ध लड़ने के लिए आ गए। तो ऐसा नहीं था कि संजय महल में ही बैठे थे और वहां पर जो चल रहा था उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे बता रहे थे, नहीं, है ना। संजय उसको अनुभव किए युद्ध भूमि में और जाकर उसको सुनाया, मतलब
कुछ दिन पुरानी घटना से इस प्रकार से वर्णन किए। उसके लिए भी दिव्य दृष्टि तो चाहिए चाहिए ना। अब 10 दिन का पूरा वृत्तांत कैसे व्यक्ति सुनाए उसके लिए भी तो दिव्य दृष्टि चाहिए। अभी आप सोचिए, संजय अगर युद्ध भूमि में भी खड़ा हो तो उसको पूरा युद्ध भूमि में कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ लड़ रहा है, वो सब याद रखने के लिए और उसको भी देखने के लिए दिव्य दृष्टि तो चाहिए ना। तो वैसा ही वो व्यास को सुनाए थे, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब इतनी सारी टेक्निकल डिटेल्स कौन बताए, किसको समझ में आए, इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दिया जाता है, अब बस ये बता दिया जाता है कि धृतराष्ट्र संजय एक साथ में बैठे थे महल पर, वहां पर युद्ध हो रहा था और संजय वहां का जो देख रहे थे सुना रहे थे। लेकिन वर्णन वास्तविकता महाभारत में क्या है, पहला 10 दिन का संजय सुनाते हैं, फिर युद्ध लड़ने जाते हैं, फिर 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन। 13वां दिन जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है तब संजय वापस आते हैं कि दूसरा बड़ा व्यक्ति मर गया, फिर वो 3 दिन की घटना सुनाते हैं, फिर युद्ध करने जाते हैं, फिर 14वां दिन, 15वां दिन, 15वां दिन, 15वां दिन जब कर्ण मरता है तब वो तीसरी बड़ी सूचना है, तब वो वापस से आते हैं कि अब कर्ण भी मर गया, फिर वो 2 दिन का सुनाते हैं। तो इस प्रकार से वो रिपोर्ट देते हैं धृतराष्ट्र को, महाभारत में इसको क्या करना है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई दे रहा है मुझे? जी बोलिए जी। मेरा एक प्रश्न है, पर उससे पहले मैं वो अर्जुन सुभद्रा विवाह पे एक और बात ऐड कर सकता हूँ जो मैंने सुनी है, कि क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था, तो एक तरह से वो भी एक बात होता है कि अगर भगवान कृष्ण ने कहा है तो उस पे डाउट नहीं करना है तो विवाह करना। वो तो है, लेकिन वो प्रिंसिपल भी है कि क्षत्रिय में इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता। जी 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 जी, थैंक यू। अब मेरा प्रश्न निबंध के ऊपर, आपने कहा था कि इसमें से भी एक निबंध का टॉपिक आता है, तो क्या आप उसमें थोड़ा और डिटेल में बता सकेंगे कि कौन सा सेक्शन? अब बाद में उस जिसे डिस्कस करेंगे। 10 निबंध में से आपको 2 चूज करना है ना, पहले आप उसको। अच्छा अच्छा जी, ओके, चूज करना है। ठीक है ठीक, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर चौथे। हरी जी, धन्यवाद। महाभारत के 5 विषय में युधिष्ठिर महाराज धर्मनिष्ठा थे, फिर भी जो भगवान श्री कृष्ण आज्ञा करते हैं तो वो मानते नहीं थे। ज्ञान लेने के लिए भीष्म पितामह गए, वो एक अलग विषय है, वो श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि वो भगवान कृष्ण की ही योजना थी, युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के द्वारा ज्ञान देकर भीष्म पितामह का वो गुणगान करना चाहते थे, है ना। वो उसका एक अलग कारण है। युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण समझा सकते हैं, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, ताकि भीष्म पितामह उनको समझाएंगे तो भीष्म पितामह का यश फैलेगा। वो भागवत में बताया गया है ना, उस प्रकार से। आप क्वेश्चन जो पूछते हैं प्लीज आज के विषय से ही पूछिए। रेणु माता जी, रेणु माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमने अभी पृष्ठभूमि में ये पढ़ा कि दुर्योधन सुई की नोक पर के बराबर भी जमीन उनको नहीं देना चाहता था, और हम ये भी देख रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र, मतलब धृतराष्ट्र सबसे बड़े भाई है, तो मतलब अगर हमारे प्रॉपर्टी से अगर कोई कुछ लेना चाहता है और हम अगर उनको नहीं देना चाहते हैं, तो उस पॉइंट से ये पॉइंट कितना वैलिड है कि पांडव पुत्र उनसे वो प्रॉपर्टी का लेना चाहते हैं किंगडम उनसे, तो वो एक अलग चीज है। वो एक अलग चीज है कि हम यहाँ पर जो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं पांडवों की और कौरवों की, उससे हम अपने पर्सनल लाइफ में अगर इस प्रकार की कुछ केसेस चल रहे हों प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो उसे क्या सीखें। पहली बात तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसके द्वारा पूरे विश्व के लिए कोई शिक्षा है। हमारे प्रॉपर्टी केसेस से किसी के लिए कोई शिक्षा नहीं है, वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, करेक्ट। यहाँ पे तो अर्जुन और पांडव को यूज़ किया जा रहा है, एक सीन यूज़ किया है, वो यूज़ किया जा रहा है पूरे विश्व को कुछ शिक्षा देने के लिए।
यहाँ पर प्रॉपर्टी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर्टी का सिचुएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर कृष्ण यूज कर रहे हैं दो पक्षों को, पूरे संसार को, एक बहुत अलग अलग शिक्षा सिखाने के लिए कि राज्य किसके द्वारा होना चाहिए, जो धर्मपरायण राजा हो उनके द्वारा होना चाहिए, मेन वो है। प्रॉपर्टी तो सेकेंडरी इशू है, राजा जो होगा वो धर्म के अनुसार राज्य करेगा, मेन बात वो है। इसलिए कृष्णा चाहते हैं कि युधिष्ठिर राजा बने, राइट। प्रॉपर्टी तो सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे थोड़ी ना है कि युद्ध हुआ था प्रॉपर्टी के लिए, इतना तो इतने तो युधिष्ठिर भी गिरे हुए नहीं है, न अर्जुन गिरे हुए हैं, न कृष्ण गिरे हुए हैं कि वो प्रॉपर्टी के लिए इतने असंख्य लोगों की हत्या करवा देंगे युद्ध होगा। वो तो एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो कारण है, वास्तविक कारण युद्ध का क्या है कि कृष्ण चाहते थे इस युद्ध के द्वारा जो दुष्ट हैं, असुर हैं, उनका वध हो जाए और जो धर्मपरायण है वो राज्य करे, जिससे कि जनता धार्मिक हो और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करे। ये मुख्य कारण, राइट। प्रॉपर्टी तो एक सेकेंडरी चीज। अब पर्सनल प्रॉपर्टी की जो सिचुएशन है उसको सो समझने के अलग अलग एंगल हैं, उसका एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण होगा और फिर क्या लीगल है क्या इलीगल है इत्यादि इत्यादि वो हम किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो केस टू केस डिफर करेगा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही सिचुएशन होगी। अब अगर वो लीगली करेक्ट है, आपका अधिकार बनता है उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, अब उसके लिए लड़िए, उसको आपको प्राप्त करना अधिकार बनता है तो उसके लिए लड़िए। ऐसा नहीं है कि आप क्षमा कर दीजिए, चलो जाओ सब कुछ लेकर चले जाओ, है ना। हम कॉपी भी तो नहीं कर सकते पांडवस को, पांडवस तो बहुत उच्च श्रेणी के महान भक्त हैं, तो उनमें उतना वैराग्य है कि भाई नहीं चाहिए हमको कुछ है ना। हम उस प्रकार से अगर छोड़ देंगे नहीं चाहिए, बाद में फिर रोने लग जाएंगे, अरे क्यों ऐसा हमने किया, कुछ रख लेते तो अच्छा था तो वह हम तो स्तर पे है नहीं, तो हमको अपने स्तर के अनुसार देखना पड़ेगा कि हम इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, करेक्ट। ओके, राधे श्याम प्रभु, आपका क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा, नमस्ते, प्रणाम। आवाज सुनाई दे रहे? बोलिए ना। बोल रहे हो क्या, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जो जो आपने बोला था, वो गौड़ीय मठ की गौड़ीय जो वैष्णव धारा है वो डिबेट क्यों लगाया था, डिबेट क्यों करते हैं? रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने डिबेट नहीं किया था, कोई दूसरे संप्रदाय जैसे रामानंद संप्रदाय है उन्होंने डिबेट लगाया। अच्छा, वो तो शास्त्र का पाठ तो जानते हैं लेकिन डिबेट क्यों करते हैं, वो तो इसी के ऊपर मैं बोल रहा चाहता हूँ। डिबेट क्यों करते हैं? डिबेट के द्वारा, डिबेट हमेशा इसलिए थोड़ा ना होता है कि उस आपको किसी को हराना है या आपको उसको गलत साबित करना है। ये वैदिक सभ्यता में देखा जाता है कि डिबेट एक तरीका होता था ज्ञान को निखार कर प्रस्तुत करने के लिए, एक स्पर्धा होती थी कि चर्चा करेंगे तो चर्चा में प्रश्न उत्तर होगा, संवाद होगा, ज्ञान निखर कर प्रकट होगा, तो उस प्रकार भी डिबेट होता था। डिबेट केवल इसलिए नहीं होता कि दूसरे को हराया जाता है, वो तो आज के समय में डिबेट को हमने ये एक वो दे दिया है ना, एक एंगल दे दिया कि डिबेट मतलब उसको हरा देना है ना। डिबेट मतलब एक संवाद को भी डिबेट कहते हैं कि चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर हो रहा है, तो जिससे कि वो ज्ञान और अच्छे से गहराई से समझा जा सके, तो उसको बात अलग अलग प्रकार के बात होते हैं। आज के समय में डिबेट का एक ही वो मीनिंग रह चुका है, डिबेट करो उसको हरा दो तो तुम जीत जाओ, तो उस प्रकार से नहीं, वो एक तरीका है, डिस्कशन का माध्यम है। दो और प्रश्न लास्ट फिर समाप्त करते हैं। उमेश प्रभु अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, ऐसे में कैसे सुनाई देगा, आप बिना अनम्यूट करे बोल रहे हैं। आ रहा, हाँ बोलिए ना। हाँ, पांडवों ने दुर्योधन ने पांडवों को जो इंद्रप्रस्थ दिया था ना गांव, वो पहले की बात है कि एक्चुअली जब अभी आपको पूरा सुनाना पड़ेगा हमें, जैसे कि पांडव को लाक्षाग्रह में भेजा गया
घर को आग लगा दिया गया, ठीक है। तो उस समय उन लोगों ने सोचा अब तो पांडव मर गए, अब तो हमारा जो बाधा थी जीवन में वो खत्म हो गई, अब हम अच्छे से राजा बन सकते हैं। तो फिर पांडव वहाँ से बचकर निकल गए। फिर आगे जाकर घटना मतलब बहुत कुछ वर्णन आता है, द्रौपदी का विवाह होता है पांडवों के साथ में, तब भी पता नहीं था कि पांडव जीवित हैं, बाद में जाकर पता चला कि अरे पांडव तो जीवित हैं। तब उस समय धृतराष्ट्र ने सोचा कि देखो अभी यहाँ पर खुलासा अगर हो गया, सबको पता चल गया कि हमने इनको जला कर मारने की कोशिश की, तो बड़ा नाम खराब हो, है ना, ये तो बच गए, है ना। तो उस समय धृतराष्ट्र ने क्या किया कि इनको थोड़ा बहुत कुछ दे देते हैं और साइड कर देते, है ना। तो उस समय उन्होंने इंद्रप्रस्थ नहीं दिया, उन्होंने खांडवप्रस्थ दिया था। खांडवप्रस्थ मतलब बंजीर भूमि दी थी, वहाँ पर कुछ कुछ राज्य वाज्य कुछ नहीं था, शहर वगैरह कुछ नहीं था, एकदम बेकार स्थान दिया था कि लो खुश रहो। वो तो युधिष्ठिर महाराज की पुण्यता थी, धर्मनिष्ठा थी कि जो कि वो इतने धर्म पर आए थे वहाँ पर सब आ गए, मतलब हस्तिनापुर छोड़ छोड़ के लोग वहाँ आने लग गए कि हमें युधिष्ठिर के साथ रहना है, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे व्यापारी सब हस्तिनापुर छोड़ छोड़ के युधिष्ठिर के पास आ गए। तो युधिष्ठिर का जो खांडवप्रस्थ है, आगे जाकर जो इंद्रप्रस्थ बनता है, वो हस्तिनापुर से भी ज़्यादा भव्य हो गया। और ये देखकर फिर दुर्योधन को फिर से ईर्ष्या होने लगे कि अरे इनको तो अब इतनी बेकार स्थान दिया था, लेकिन इन्होंने उस स्थान को हमारे भी महल से अच्छा महल बना दिया, हमारे राज्य से भी अच्छा राज्य बना दिया। फिर दुर्योधन बोला कि अब मुझे वो भी चाहिए। तो धृतराष्ट्र कैसा लड़का है यार, मतलब तुमको इतना दिया, तुमको ज़्यादा दिया, उनको तो बिल्कुल बेकार स्थान दिया था, अब वो उनकी योग्यता है कि उन्होंने उसको इतना अच्छा बना दिया। तो दुर्योधन की नहीं, मुझे वो भी चाहिए, मैं उनको सुखी देखकर खुश देखकर मुझे मेरा मेरा भोजन नहीं पचता है। तो फिर उसके बाद में द्युत क्रीड़ा हुई कि चलो अब छल से ले लेंगे। तब जाकर फिर उन्होंने जब वो द्युत क्रीड़ा की, उसमें युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए, अपना इंद्रप्रस्थ भी हार गए, है ना, उसको भी खो दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ उसमें, जब वो उसको खो दिए और वो वहाँ से जा रहे थे, तो धृतराष्ट्र ने उनको दोबारा बुलाया, बोला कि चलो मैं वापस देता हूँ, ये गेम गेम ही रहे, इसमें जो भी तुम हारे वो खेल खेल तक ही सीमित रहे, मैं तुमको सब कुछ वापस दे देता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने वापस भी कर दिया कि बस खेल था भूल जाओ, लेकिन दुर्योधन बोला, दुर्योधन के पास शकुनी जाकर बोलता है कि तुम्हारे अंधे पिता ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, मतलब हम सब कुछ सीधे थे, उसको कौन बोला था वापस करने के लिए। तो दुर्योधन फिर से पिताजी के पास जाता है, पिताजी अभी दोबारा हम गेम होगा, फिर से हम खेलेंगे, और इस बार हारेगा तो सच में हारेगा। तो ये द्युत क्रीड़ा दो बार हुई, गैमलिंग वाला जो पासे का खेल था दो बार हुआ। अब दूसरी बार में फिर वो जब हार गए तब उनको फिर मन में जाना ना, उसके बाद में फिर वो कंगाल थे, कुछ नहीं था। तब की बात है ये कि पांच गांव दे दो हमें, इतना सा दे दो उस, तब वो वर्णन आ रहा है, ठीक है प्रभु जी। ओके, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि यदि युधिष्ठिर धर्मराज थे और सब कुछ उनका धर्म पे था, तो फिर द्रौपदी तो पांचों की पत्नी थी, तो उन्होंने उसको क्यों दाव पे लगा दी? ठीक है, तो अब ये तो इतना बड़ा विषय है कि पूरी क्लास इस पर हो सकती है, है ना। ओ, इतना बड़ा कि वो क्यों द्रौपदी को दाव पर लगाए, तो उसके अनेक उत्तर हैं कि क्या कारण था। एक्चुअली अनेक, उसमें से एक कारण ये भी है कि द्रौपदी के पिछले जन्म के कर्म थे, है ना, तो शिव जी ने उनको ऐसा कहा था द्रौपदी को कि ऐसा होगा ऐसा, तो उसमें द्रौपदी का भी पिछला जन्म है, मतलब उसको ये भुगतना था, ऐसा नहीं है कि यू नो केवल युधिष्ठिर की गलती है, कर्म का सिद्धांत भी यहाँ पर है कि द्रौपदी को ऐसा एक ह्यूमिलिएशन उसके साथ में ऐसा हो, ऐसा उसके साथ लिखा था। वो कथा क्या है वो बताएंगे, नहीं समय नहीं है आप आज। तो युधिष्ठिर महाराज तो केवल एक वो थे माध्यम, कर्म के सिद्धांत को पूरा करने के लिए, करें, है ना। अब दूसरी बात है कि
अगर आप दूसरी दृष्टिकोण से देखो कि ऐसा द्रौपदी के साथ में क्यों हुआ, तो हम लोग, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो कुछ दूरी तक जाती है, हम उसके आगे नहीं समझ पाते। ठीक है, अभी उस घटना के द्वारा, उस पूरी घटना के द्वारा भगवान कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं हमको, उसको वो देखना चाहिए। ठीक है, भगवान की क्या योजना है उसके पीछे, क्योंकि द्रौपदी तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, तो भगवान अपने एक शुद्ध भक्त को कैसे यूज कर रहे हैं समाज को शिक्षा देने के लिए, हमको वो देखना चाहिए। तो अगर द्रौपदी उस सिचुएशन में नहीं आती, समझ लीजिए द्रौपदी के साथ में वो इंसिडेंट नहीं होता, उस पर्सनैलिटी के साथ में वैसा नहीं होता, तो पूरे विश्व में ये स्थापना कैसे होती है सिद्धांत की, कि जब ऐसा भक्त कोई परेशानी में आता है और वो भगवान पे निर्भर होता है तो भगवान उसकी रक्षा करने आते हैं। ओके, करेक्ट। वो कैसे होता, नहीं होता ना? हाँ, करेक्ट। तो फिर जब वो नहीं होता तो फिर वो भगवान के भक्तों में वो श्रद्धा कैसे जागृत करता है कि देखो द्रौपदी की चीर को बचाने के लिए भगवान आ गए थे, हमारी भी रक्षा करने के लिए आएंगे, है ना? तो इसलिए किसी भी चीज को हम देखते हैं तो हमको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। तो जो न्याय और अन्याय की बात है, ये तो बहुत ही कम स्तर वाली बात होती है ना, न्याय और अन्याय की, ये न्याय हुआ या अन्याय हुआ। उससे ऊंचे स्तर की बात ये है कि उस घटना के द्वारा भगवान उस व्यक्ति को कैसे यूज कर रहे हैं पूरे समाज को शिक्षा देने के, है ना, वो और उच्च स्तर की बात होगी। क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति के साथ में ऐसा हुआ तो वो आने वाले हजारों वर्षों के लिए, है ना, हजारों लोगों के लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। ठीक है, तो भगवान महान लोगों को कभी कभी ऐसे दुविधाजनक परिस्थितियों में डालते हैं ताकि वो सामान्य लोगों को उन महान लोगों के द्वारा शिक्षा दे सके, है ना? लेकिन उसके लिए भगवान महान लोगों को ही यूज करते हैं। हाँ, जो महान है उन्हीं को यूज करते हैं सामान्य को यूज नहीं करते, वो महान व्यक्ति को ही यूज करते हैं ताकि वो दूसरों को शिक्षा दे सके। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज समाप्त करते हैं, कल आप सभी से फिर से मिलेंगे 3 बजे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की।